हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज लच्छा चिकन पकौड़ी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। ये 100 ग्राम के करीब होगा और इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। आधा नींबू का रस डालेंगे, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको। चलिए मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ये मैंने आलू लिया है और ये ग्रेटर है, इससे इस तरह से आलू को कद्दूकस कर लेंगे। पानी के अंदर में ही करना, नहीं तो ये काला हो जाएगा आलू, इसलिए पानी के अंदर में ही करना है। तो चलिए मैं सबको कर लेती हूँ। आलू को कद्दूकस कर लिया है, ये मोटे वाले साइड से करा है मैंने। ये पानी को छांक लेंगे अच्छे से। तो मैंने आलू के पानी को अच्छे से गाड़ दिया और इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। इसी चम्मच से मैंने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून डालूंगी मैं चावल का आटा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, दरदरा किया हुआ 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम अदरक, 1 टीस्पून भर करके मैं दरदरा पिसा हुआ हरी मिर्च, या फिर तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। आपको तीखा जितना पसंद हो आप उस हिसाब से डालना। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच के इतना बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून पानी डालना है मैंने, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डालूंगी, और 1 मीडियम साइज का प्याज कट करके, जितना बारीक कट कर सको आप उतना बारीक कट करके डालना। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये चिकन का पीस लेंगे। पहले इस तरह से ये करेंगे और ऐसा इसमें डालेंगे। इस तरह से तो सभी को इसी तरह से कर लेती हूँ। मैंने गैस के ऊपर में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और ये थोड़ा सा आलू कद्दूकस किया हुआ है इसको साइड कर लिया था मैंने, और इसको इस तरह से डालेंगे एक एक पकोड़े को। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से प्रेस करके चिपका देंगे। ऑयल को अच्छे से हीट करना है, और इसको डालने के बाद फिर कम कर देना है, स्पून भी तुरंत नहीं लगाना है। तो चलिए इसको मैं डालती हूँ। दूसरे वाले को भी मैं सेम ही प्रोसेस में कर रही हूँ। बहुत ही इजी है बनाना, बनाइए, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको स्नैक्स में भी बना सकते हो, पार्टी में भी बना सकते हो, अभी रमज़ान आने वाला है तो इफ्तार के लिए भी आप बना सकते हो, तो ट्राई कीजिए आप। इसी तरह मैं सभी को बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। चिकन लच्छा पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ट्राई कीजिए आप भी। मैंने और भी फ्राई करके निकाल लिया है, और ये सब भी निकाल लेती हूँ। बनाइए और लच्छा चिकन पकौड़े को एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।